को पावर ऑन किया, बोर्ड हमारा चलने लगा, जो मॉनिटर है और कंटिन्यू अभी लगे हुए हैं और देखेंगे कि इस पे अभी हमारा ये डिस्प्ले आ गया है। दोस्तों आज हम आ गए हैं एक लेटेस्ट डेवलप टूल के साथ। जब ये इनेबल आता है तो मॉस्फेट क्या करता है, हमें ये मॉस्फेट बदलना है, कैसे बोर्ड को रिपेयर करना है। तो चलिए ये मदरबोर्ड है, अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या एरर आ रहा है। तो पावर लगाएंगे, पावर लगाने के बाद चलिए हमने इसको ट्रिगर किया, ये ट्रिगर हो गया है मदरबोर्ड और देख रहे हो कि यहाँ पे ये हमारा क्या है कि जो बजर है ये इस तरह से कुछ बीप दे रहा है, ठीक है। ये एक लॉन्ग बीप और दो शॉर्ट बीप, ठीक है, एक लंबा बीप आ रहा है और दो शॉर्ट बीप आ रहा है। तो इसका मतलब सबसे पहले तो आपको शॉर्टिंग वगैरह चेक करना है, कोई आईसी वगैरह प्रॉपर ओवरहीट तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्लॉक आईसी ये भी ओवरहीट हो रहा है और ये हमारा एलडीओ हीट हो रहा है, ये आईसी भी हीट हो रहा है। बाकी रैम सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, रैम हमने कई बदल के देख लिया है और प्रोसेसर भी हमारा हीट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम इसको पहले क्या करते हैं, इस आईसी को अगर आप कंडीशन देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कि इस आईसी का जो कंडीशन है इसकी पिने काफ़ी हद तक गल चुका है। तो हम इसको क्या करते हैं, या तो इसमें से निकाल दें या इसको हमने अच्छे से ड्राई सोल्ड करके इसको पीने को अलग अलग कर दिया जाए, दो चीज़ें होगा देखेंगे कि यहाँ से भी। तो सबसे पहले तो हम इसको ड्राई सोल्ड करते हैं, उसके बाद फिर निकालने का बात होगा। तो सबसे पहले अगर ड्राई सोल्ड करना है तो आपके पास अच्छा वाला फ्लक्स होना चाहिए, तो आप फ्लक्स इसको लगाइए अच्छे से। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं जी, इसके पिनों पे हल्का सा चारों तरफ से हल्के हल्के फ्लक्स लगा देते हैं, ठीक है, इसलिए लगा दिया हमने। आप ट्वीज़र वगैरह कोई चीज़ें रखिए जिससे प्रॉपर इसमें आप लगा सके, हाथ में ना लगे। तो चलिए तो हमने इसको लगा दिया, अब आपको चाहिए क्या, एक आयरन चाहिए एल से बीट वाला, घर लाइए छोड़ा इधर से। पंखा को हटा देते हैं। अब एल से बीट वाला हम इसलिए बोले कि इसकी लीड देखेंगे तो आप कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो ये एक्चुअली होता है तो प्रॉपर आईसी के पिनों पे टच होता है, इसलिए आपको इस तरह से एल से बीट वाला ही रखना है। ये जब आप खरीदते हैं तो पतला वाला मिलता है, ध्यान रखना है। इसको हम क्या करते हैं, डिस्कनेक्ट करते हैं, हो गया। अब ये है आईसी, तो इस पे हमें इसको क्या करना है कि इसको अच्छे से ड्राई सोल्ड करना है, उधर से रोशनी आ रही है, ठीक है। अगर आपके पास अच्छा वाला फ्लॉक नहीं होगा तो ये पिनें शॉर्ट भी हो सकती हैं, क्योंकि जब इसमें से सोल्डर निकलता है तो पिन में चिपकता है। अगर अच्छा वाला आपके पास फ्लॉक्स है तो वो चिपकने नहीं देगा आपको, से देखेंगे कि ये भी हो गया। इसकी अगर हम देखें तो ये साइड वाला बचा है, इधर से शॉर्टिंग हो गया है, थोड़ा सा निकल गया, ये हो गया। तो इसको ऐसे ही, इसको हम बोलते हैं ड्राई शोल्डर करना, मतलब बिना इसको निकाले हुए आप इसको अच्छे से इसी में लगे हुए साफ कर दीजिए। ये जो है
प्रॉपर आपका जो लीड है ये प्रॉपर साफ होना चाहिए। लास्ट में यहाँ पर देखेंगे कि सट गया, ठीक है निकल गया। इस साइड में हल्के हाथों से इसको आपको ऐसे कुछ करना है, जैसे ही आप आयरन हटाते हैं वहाँ पे सोल्डर इकट्ठा होता है, तो उसको निकालने के लिए भी आपके पास ये फ्लक्स होगा तो आराम से निकल जाएगा, नहीं होगा तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो कभी भी आईसी पे अगर काम करना है तो अच्छा वाला फ्लक्स रखें, ये आप जो 40-50 का आता है उससे आप काम नहीं करिए, ताकि आपका बोर्ड भी बचा रहेगा और आईसी भी। चलिए ये दोनों चीज़ें हो गया। इसके बाद अगर हम देखें तो ये आयो आईसी है, इसको भी आप देख सकते हैं, इसकी पिन एकदम काली काली हो चुकी है, इधर से देख रहे हैं इधर सारा काला हो चुका है। तो इनको भी आप थोड़ा सा क्या करेंगे, ड्राई सोल्ड कर सकते हैं। तो इनमें क्या करेंगे, फिर वही कि हल्का सा आप ले लीजिए ये फ्लक्स लीजिए, इसको अच्छे से पिनों में ही डाल, एक्स्ट्रा नहीं लगाना, इसकी पिनों में क्या करना भर देना है, साइड साइड से हल्का हल्का भर देंगे जहाँ पे आपका आयरन चलने वाला है। से भर दिया हमने इधर से और इधर से, चलिए इतने में हो जाना चाहिए। सबसे पहले तो हम इस पे इस साइड में देखते हैं, आपको दिख रहा होगा कि एकदम पीने इसकी चमक जाती हैं जब आप इस पे काम करते हैं। तो हो गया इस साइड में, अभी आपने कोई सट गया है तो इसको निकालने के लिए हम कुछ इस तरह से 2-3 बार में निकल जाएगा, निकल गया। हो गया, ऐसा इधर देख लेते हैं, अभी हो गया साफ, ठीक है। अब इसको या तो आप आईपी से थोड़ा सा इसको साफ कर दीजिए या फिर हम अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं। तो अभी रखूँ, तो चलिए हम इसको ड्राई सोल्ड कर दिए हैं आईओआईसी को, क्लॉक को, लाइन को, जो भर हीट हो रहा था, फिर से इसको स्टार्ट करते हैं और देखेंगे यहाँ पे कोडिंग आ रहा है और फिर से सेम प्रॉब्लम आ रहा है। बाकी अब ये जो आईसी है ये जो हीट हो रहा था वो अब ये नॉर्मल हो गया है, ठीक है। ये भी आईसी एकदम नॉर्मल हीट हो रहा है, ये भी नॉर्मल हीट हो रहा है जो ओवर हीट हो रहा था। ये भी इनकी पिने आप देखेंगे तो एकदम देखेंगे कि एकदम शाइनिंग आ चुका है पिन में, यानी कोई भी पिन दोनों का आपस में टच नहीं है। तो चलिए अब हम रैम को बदलते हैं, पावर बंद करेंगे और चलिए अब दूसरा रैम लगा कर देखते हैं। तो ये जो हमारे पास रैम है ये 1000 DDR2 है, 1600 जो इसका फ्रीक्वेंसी है वो वाला है, और ये जो है हमारे पास ये भी है DDR2, ये 1GB DDR2 PC, ये 800 वाला है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लगाते हैं, इसमें इसको हमने यहाँ से कनेक्ट किया, ठीक है, और इसको हमने पावर लगा देंगे, पावर लग गया और इसको हमने स्टार्ट किया, फिर कोडिंग आने लगा और देखिए कि ये हमारा D5C12 है, सिंगल वीप आया और बोर्ड में हमारा डिस्प्ले आ चुका है, ठीक है। या फिर हम चाहें तो इसमें हम BGA केबल अगर लगा देख सकते हैं, या फिर अगर USB कीबोर्ड है तब भी देख सकते हैं। कीबोर्ड लेकर आइए, चालू करो। तो चलिए अभी हम कीबोर्ड ये लगा देते हैं इसमें, ठीक है। अब फिर से इसको ऑन करते हैं,
तो ये हमारा यहाँ से ऑन हो गया है, ठीक है। ये नॉर्म लॉक है, देखते हैं ये डिस्प्ले आया कि नहीं। तो ये रीडिंग चल रही है, मे भी डिस्प्ले आ जाना चाहिए। और देख रहे हैं कि ये हमारा डिस्प्ले आ चुका है, लाइट जल रहा है। तो इसमें रीडिंग क्या आया, 85 आ गया। तो ये क्या हो रहा है कि अब ये हो रहा है हैंग, ठीक है। तो ये अगर देख लेते हैं, दूसरे में ला कर देख लेते हैं। ये कीबोर्ड का ही इशू हो सकता है, कोई नहीं, डिस्प्ले आ चुका है हमारा, खत्म करो। तो चलिए, तो फिर से हम अब इस पर देखते हैं कि हमारा डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं। तो हमने इसको पावर ऑन किया, बोर्ड हमारा चलने लगा। ये मॉनिटर है और कंटिन्यू हम अभी लगे हुए हैं, और देखें कि इस पर अभी हमारा ये डिस्प्ले आ गया है, ठीक है। और तो नहीं गया पीछे से, नहीं बस जब यहाँ पे आ रहा है। रिजिस्टेंस सेलेक्ट पावर बूट डिवाइस यानी हार्ड डिस्क से डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर इस तरह से कोई भी अगर बोर्ड आपको मिल जाए जिसकी पिन, एक्चुअली होता क्या है कि लग रहा है कि चूहा हुआ बीट वगैरह कर दिया था इस पर, इसलिए पिनें इनकी गल चुकी थी। अच्छे से ड्राई सोल्ड कर दीजिए, बोर्ड को वॉश कर दीजिए, मे बी 90% प्रॉब्लम जो है आपका ख़त्म हो जाता है बोर्ड को सर्विस करने से, ठीक है। उसके बाद मोटा मोटी सेक्शन चेक कर लीजिए, मे बी आपका हो जाएगा। थैंक यू।